हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th साइंस 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को आज सोल्यूशन करने वाले हैं। 2012 के एग्जाम में आप लोगों के बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, उसी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। यदि आप 2011 का नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज हम 2012 के साइंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए 2012 के जो एग्जाम में बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों को 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से आप लोगों को खोजना है क्वेश्चन बैंक के अंतिम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों को कितना मिलेगा, 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है, मतलब पाइरूवेट के विखंडन जो होता है, विखंडन होने से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्या बोल रहा है, यह क्रिया होती है किसमें होती है, गर्भ में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, या तो केंद्रक में होती है। तो यह क्रिया किसमें होती है बाबू, कोशिका गर्भ में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखिए, बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बाबू होता क्या है, एक साइड अगर रंगाई किया हो वो दर्पण होता है, लेकिन लेंस क्या होता है, आर पार दिख जाए लेंस होता है। ये जो हमारा चश्मा ये क्या है, लेंस है, और लेंस में भी कौन सा लेंस है बाबू, ये उत्तल लेंस है हमारा चश्मा, ठीक ना। तो बताइए जल का प्रयोग करेंगे हम लेंस बनाने में, कांच का भी करेंगे, प्लास्टिक का भी करेंगे, लेकिन मिट्टी का कभी भी लेंस बनाने में उपयोग नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है बल किसी बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, क्या होता है बाबू, वस्तु। तो यानी किसी बिंब, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, लेकिन क्या करना, आकार में समान प्राप्त करने हेतु बिंब का मतलब होता है वस्तु को उत्तल लेंस सामने कहाँ पे रखा जाए, उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाए, जब किसी वस्तु का क्या हो, समान प्रतीत हो, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा उसका क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो ये मान लीजिए बाबू क्या, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का ये क्या होता है, फोकस दूरी यहाँ पे होता है बाबू वक्रता केंद्र, क्या होता है बाबू, वक्रता केंद्र। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखिएगा ना, वक्रता केंद्र पे, तो क्या बनेगा, वस्तु का समान प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, समान, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे रखना है बाबू, वक्रता केंद्र पे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी लगभग होती है। देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में वस्तु को अस्पष्ट दिख जाए उसके लिए न्यूनतम कितना दूरी हो सकता है, आप सटा दीजिएगा, पूरा सटा दीजिएगा, अस्पष्ट नहीं दिखेगा, मतलब इतना पे रखें तो इतना पे रखें, फिर कितना पे रखें, व्यक्ति को अस्पष्ट दिख सके, तो आप लोग मारिएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा क्या हो सकता है, गलती हो सकता है, हड़बड़ाइएगा नहीं, 25 मीटर भी कोई स्टूडेंट मार सकता है, लेकिन नहीं, कितना होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है ना बाबू कितना होता है, 26, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन लोहा का अगर संकेत पूछे क्या होगा, Fe, क्या होता है बाबू, Fe, हम 3 को याद करवाते हैं, फीकोनी, 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 इसका होता है 26, इसका होता है 27, इसका होता है 28, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, लोहा का 26, कोबाल्ट का हो गया 27, निकेल का हो गया 28, इसका ट्रिक है फीकोनी, कितना है इसका ट्रिक, क्या है बाबू, फी को नियत, जो तीनों है ना, तीनों लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, मतलब लोहा इसके साथ क्या करता है, आकर्षण कर लेता है, और चुंबक बनाने में भी इसी तीनों तत्व का प्रयोग किया जाता है, और Cu का मतलब होता है कॉपर, इसका परमाणु संख्या होता है 29, Cn का मतलब होता है जिंक, इसका परमाणु संख्या होता है बाबू कितना, 30, तो हम इतना याद करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए, कोई बिलियन लीलेन लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, कोई बिलियन नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो ट्रिक बताए थे अनिल, क्या बताए थे, ट्रिक अनिल, अनिल,
अनिल का मतलब हुआ ओ से अम्ल, अम्ल लीनियर निट्रोस पत्र को लाल में बदल देता है, अम्ल लीनियर निट्रोस पत्र को लाल में बदल देता है। तो यही बात बोल रहा है कि नीले निट्रोस पत्र को लाल में कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो वो कैसा पदार्थ होगा, अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, तो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आप लोगों को, डी, कितना दिख रहा है, 5। 7 से देखिए कम एक ही को है, ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, 5। और भस्म का ट्रिक होता था भलानी, क्या होता था, भलानी, लानी यानी भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। और इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, क्या होता है, 7 से अधिक, 7 से प्लस यानी 7 से ज्यादा। और 7 पीएच मान किसका होता है, उदासीन, उदासीन बिलियन का यानी लवन का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आधुनिक आवास सारणी में वर्गों की संख्या कितना है। आधुनिक आवास सारणी मोसले जी बनाए हैं और इसमें वर्गों की संख्या टोटल कितना है, 18 है। वर्गों की संख्या टोटल कितना है, 18, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आवर्त की संख्या पूछता तो कितना होता, 7 होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रिया के मूलक को क्या कहते हैं, यानी इसका क्या नाम है। तो CHO को बोला जाता है एल्डिहाइड, क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। CHO किसका क्रियाशील मूलक है, तो एल्डिहाइड का। अल्कोहल का होता है बाबू OH, अल्कोहल का होता है OH, और कीटोन का होता है CO, कीटोन का CO, अल्कोहल का OH और एल्डिहाइड का CHO होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को कौन सा निरूपित नहीं कर रहा है, तो विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है, P बराबर फार्मूला होता है VI, कितना होता है बाबू VI। तो एक फार्मूला तो ये होगा P बराबर VI, तो P बराबर VI यानी ऑप्शन नंबर सी तो सही है। बोल रहा है कौन नहीं करता है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं करेगा। ओम के नियम से पढ़े V बराबर IR, क्या पढ़े V बराबर IR, तो एक बार V का मान यहाँ पे रखिए, तो V के मान रखिएगा कितना IR, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा IR, ये वो I पहले से है, तो बताइए एक फार्मूला क्या निकल गया, आई गुना आई, आई स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, यानी दूसरा फार्मूला पी बराबर कितना निकल गया आई स्क्वायर आर, ये दूसरा फार्मूला हुआ। अब तीसरा फार्मूला देखिए बनाइए, तीसरा फार्मूला देखिए फिर इसी से बनाएंगे, पी बराबर कितना था वी आई, पर क्या करेंगे आई का मान रखेंगे, तो यहाँ से आई का मान निकालिए, तो आई बराबर कितना होगा वी बटा आर, कितना होगा वी बटा आर, वी बटा कितना होगा बाबू आर, तो यहाँ पे हम रखते हैं कि आई का मान वी बटा आर, यहाँ से कौन क्या फार्मूला बन गया वी गुना वी, वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर, P बराबर एक फॉर्मूला और निकल गया V स्क्वायर बटा R, और यहाँ पे आ गया I स्क्वायर R, और एक होता है P बराबर VI, यानी ऑप्शन नंबर D हो गया, ऑप्शन नंबर A हो गया, ये भी क्या होगा सही, लेकिन ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, ये नहीं होता, ये क्या होता है शक्ति बराबर फॉर्मूला नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करे उसको क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, या तो मोटर कहते हैं। मोटर क्या करता है, पानी देने का काम करता है। एमीटर क्या करता है, किसी परिपथ में धारा को मापने का काम करता है, धारा को मापता है। और गैनोमीटर क्या करता है, ये धारा की उपस्थिति को बताता है। गैनोमीटर क्या करता है, धारा की उपस्थिति को बताता है काटा हिला के। अब देखिए जनित्र क्या है, जनित्र को बोला जाता है जनरेटर, जनित्र को बोला जाता है जनरेटर, जो कि शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे। जनित्र क्या करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। लघु पथन क्या होता है, जब कोई तार मतलब आप लोग माइनस प्लस सट जाता है तो चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। चिंगारी उत्पन्न हो जाने से क्या होता है, दोनों तार आपस में संपर्क में आ जाता है और उस समय परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। बहुत अधिक धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, और उस समय प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और धारा बहुत अधिक प्रवाहित होने लगती है। तो धारा क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाती है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था, इसमें क्या होगा कोयला, क्या होता है कोयला, लकड़ी जैव ऊर्जा का क्या है उदाहरण है, गोबर गैस भी है, नाभिकीय ऊर्जा है, लेकिन कोयला क्या है नहीं है, कोयला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है तो वह तत्व हो सकता है, तो वह तत्व कौन सा हो सकता है बताइए, तो वह तत्व कौन सा होगा कार्बन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है आप लोगों को 14 को, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H2 है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन, एथेन का फॉर्मूला होता है बाबू C2H
C2 होता है और H6 होता है, C2H6 होता है, ये फार्मूला क्या है, गलत है। क्या है, एथेन का जो फार्मूला आता है C2H6 होता है, तो इसमें बोल रहा है सहसंयोजन बंधन कितना होता है, तो जब इसका संरचना सूत्र लिखिएगा कितना लिखिएगा, दो को कार्बन लेना है, दो को कार्बन लेना है, इसमें कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन को चार को चाहिए, हाइड्रोजन कितना, छह को है, देख लीजिए ध्यान से बाबू, छह को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 होगी। अब देखिए सहसंयोजन बंधन कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कितना सहसंयोजन बंधन है, 7 गो है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, ये होता है बाबू एथेन, ये क्या होता है एथेन, एथेन का संरचना सूत्र इस टाइप से होता है, इसमें गण लीजिए कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी टोटल कितना है, 7 गो सहसंयोजन बंधन इसमें पाया गया है एथेन में। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बोल रहा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या होती है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, कितना ऑक्सीजन मिला होगा, 3 गो ऑक्सीजन मिला होगा, 3 गो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना O3, क्या बना है O3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना को 16 को देखिए, मनुष्य में वृक्क यानी वृषण, वृक्क सॉरी क्या है वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं आप लोग, किडनी एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है, पे दो को जो किडनी होता है वो क्या करने का काम करता है, पोषण करता है, शोषण करता है, उत्सर्जन करता है, परिवहन करता है, कौन करता है, हमारे शरीर में परिवहन करने का काम कौन करता है, यहाँ पे खून के रास्ता से भी हो जाता है, परिवहन तंत्र भी होता है, या तो जाइलम, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है शिरा और धमनी के माध्यम से परिवहन का काम होता है, और शोषण का काम हम लोग क्या श्वास नलिका से करते हैं, और पोषण का काम पाचन तंत्र के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो वृक्क आप लोगों को दिख रहा है यानी जिसको बोलते हैं किडनी, वो क्या करता है उत्सर्जन का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है, यानी वो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 17, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका यानी मस्तिष्क में जो कोशिका होता है उसको तंत्रिका बोला जाता है, उसके दो कोशिकाओं के बीच जो छोटी सी खाली स्थान रहता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, बोल रहा है प्राकोष में क्या होते हैं, प्राकोष पौधा में पाया जाता है, पौधा का क्या होता है नर भाग होता है, पौधा के नर भाग में, नर भाग को प्राकोष कहा जाता है, अब प्राकोष में क्या होता है पीला पीला पाउडर होता है जिसे हम प्राकन कहते हैं, सरसों का पौधा आप लोग देखे होंगे, सरसों का पौधा में जो पीला फूल होता है उसमें पाउडर जो होता है वही होता है क्या प्राकन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, बोल रहा है विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक मिलती है, तो चीन की विद्यार्थी से, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन क्या है, 20वां नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, बताइए तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है बाबू, ईस्ट में, किसमें होता है ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप लोगों का ये 2012 का क्वेश्चन बैंक पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।